बार मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ और इस प्लेटफॉर्म पर आज हमारा जो विषय है वो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। अब ये जो विषय है वो हम पूरे मतलब टोटैलिटी में बात करेंगे इस पर, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं चाहूँगा कि सब लोग जुड़ जाएं एक बार, तो 20 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा परीक्षा है, यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, जो इतना प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, इतना कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, उसको कैसे सरल तरीके से उसकी जो ज़रूरी बातें हैं, काम की बातें हैं, वो आपसे शेयर कर सकूं। तो दोस्तों पुनः स्वागत है आज लाइव में। मैं हूं निशांत जैन। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2014 में मुझे 13th रैंक प्राप्त हुई थी और मैंने ये एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किया था। हिंदी मीडियम का मैं टॉपर था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका हिंदी मीडियम भी होगा, कुछ लोगों का मराठी से भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी होंगे, पर ये जो टिप्स हैं ये सभी के लिए आपके लिए कॉमन हैं। आइए इन पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है यूपीएससी की तैयारी के लिए। एक ये मेरी किताब है जो आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। तो मुझे बनना यूपीएससी टॉपर में एक स्ट्रैटेजी बताई गई है, पूरी एग्ज़ाम की, यूपीएससी की प्री, मेंस, इंटरव्यू, सभी चरणों की पूरी स्ट्रैटेजी इस बुक में बताई गई है। ये बुक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। इंग्लिश में ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से उपलब्ध है और मराठी में मल्ला वहांचे यूपीएससी टॉपर साकेत प्रकाशन से उपलब्ध है। इसके अलावा निबंध के पेपर पर मैंने एक संपादित किताब तैयार की है हम लोगों ने, जो राजकमल से आई है। इस किताब की खासियत ये कि इसमें 101 एसेज हैं यूपीएससी टॉपर्स के और वो सभी टॉपर्स ने लिखे हैं एसे। ये है वो किताब, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध, 101 निबंधों का संकलन है। इनको इसको आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद और कोई नमूने का निबंध पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक है जो अभी आपने जिक्र देखा, रुक जाना नहीं, ये एक मोटिवेशनल किताब है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे मोटिवेटेड रहें, हम लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में कैसे खुश रहें, कैसे अच्छे से तैयारी कर पाएँ, आगे बढ़ते जाएँ, उसका मंत्र ये किताब बताती है। खैर, तो आज हम बात करते हैं उन 10 विषय 10 पॉइंट्स की। 10 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो ये तिलिस्म है, इसको भेदने के लिए विशेषकर जो भारतीय भाषाओं के लोग हैं, हिंदी के लोग हैं, मराठी के लोग हैं और उर्दू के लोग हैं, वो लोग इसको कैसे टैकल करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हम लोग सब लोग पूछते हैं कि मीडियम कैसे चुनें अपना एग्ज़ाम। मतलब सबसे पहले जब तैयारी शुरू करते हैं तो जो बेसिक सवाल हमारे मन में आता है वो आता है कि अपना मीडियम कैसे चुनें, एग्ज़ाम कौन सी भाषा में लिखें। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आपके पास ऑप्शन तो 22 भाषाएं हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से कोई भी आप चुन सकते हैं मीडियम के रूप में, पर फिर भी उसके साथ इंग्लिश भी चुन सकते हैं। 23 भाषाएं का ऑप्शन आपके पास है, तो आप वो भाषा चुनें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों और अपने को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं, अपने को कह पाते हैं, अपनी को ठीक से लिख पाते हैं। जिस भाषा में आपको अच्छे से लिखना आता है उस भाषा को चुनें। ऐसी भाषा चुनें जिसमें आप लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करते हों ज़्यादा। अगर इंग्लिश आपकी ठीक है, मजबूत है, तो आप इंग्लिश को चुनें, और अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं तो हिंदी मीडियम को चुनें। मराठी में आप ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं तो मराठी मीडियम भी आप चुन सकते हैं। तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं लगातार और लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं अंकित और सब लोग। तो मैं जो ये जो मीडियम वाला सवाल है इसको आप पहले तय करें सबसे पहले कि आपको कौन सा मीडियम चुनना है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपको ऑप्शनल का निर्णय भी लेना पड़ेगा। मैंने हिंदी मीडियम चुना था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदी में काफ़ी अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और ऐसे ही आप अपना निर्णय ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश लें, चाहे हिंदी लें, चाहे आप अन्य कोई भाषा लें, ये आपका निर्णय होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है, जो जिस पर सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है, क्योंकि उसके दो पेपर होते हैं, दोनों 250 अंकों के होते हैं, टोटल 500 अंकों का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कैसे आप उसको चुनें।
इसमें मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने जो आपका या तो आपके बैकग्राउंड में रहा हो या फिर उसमें आपको काफ़ी रुचि हो, ताकि क्योंकि यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी इतना आसान नहीं होता है, उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का भी पढ़ना पड़ता है, मतलब ग्रेजुएशन से थोड़ा आगे का सिलेबस उसमें होता है। तो ऐसे में आप अगर मान लो आपने फिज़िक्स ले लिया और एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आपने ऑप्शनल लिया, लिटरेचर लिया, तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप वो विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि भी हो, क्योंकि बिना रुचि के उस विषय को पढ़ पाना मुश्किल है। अभी किसी ने पूछा है बुक लिस्ट बताने के लिए, मैं वो भी अभी बताऊंगा, इस लेक्चर के दौरान ही आपको बताऊंगा। तो वैकल्पिक विषय चुनने के लिए आपकी जिस विषय में फैमिलियरिटी हो, जो विषय आपको सरल लगता हो, जिस विषय में आपको आनंद आता हो, अच्छा लगता हो पढ़ करके, वो विषय चुनिए। आपके बैकग्राउंड का विषय आप चुन सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने बीकॉम ऑनर्स किया है या चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसने की हुई है तो उसको कॉमर्स चुनना चाहिए। किसी ने अगर फिजिक्स ऑनर्स किया है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है तो उसको फिजिक्स लेना चाहिए। किसी ने अगर हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है तो उसको हिंदी लिटरेचर लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो जो ऑप्शनल आप चुनने जा रहे हैं वो कितना स्कोरिंग है, उस ऑप्शनल में कितना सफलता की संभावनाएं आजकल के वर्षों में, हाल के सालों में हैं, रही हैं या नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसमें पिछले 4-5 सालों में किसी ने उस ऑप्शनल में आईएएस कोई बना ही नहीं है, तो फिर ऐसा ऑप्शनल लेना भी ठीक नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करके लेना है। अगर मैं हिंदी या भारतीय भाषा माध्यम के बच्चों की बात करूं तो उनके लिए ऑप्शनल भले ही 22-23 की लिस्ट हो, पर उसमें से केवल 4-5 ऑप्शनल ही बचते हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी लिटरेचर या मराठी लिटरेचर या मैथिली या उर्दू लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर। इसके अलावा इतिहास, हिस्ट्री आप ले सकते हैं, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र आप ले सकते हैं, राजनीति विज्ञान आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कोई ऐसा स्कोरिंग ऑप्शनल हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं दिखाई देता। इंग्लिश मीडियम वालों के पास पूरी चॉइस है, वो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर ऑप्शनल में अच्छा मटेरियल उपलब्ध है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शनल चुनते समय 3 बातों पर ध्यान दें, एक तो उसमें आपका बैकग्राउंड हो या आपकी रुचि हो, नंबर 2 उसमें मटेरियल उपलब्ध हो, नंबर 3 उसमें स्कोरिंग हो, उसमें हाल के वर्षों में लोकप्रिय रहा हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ट्रेंड का ध्यान रखेंगे, तो आप अच्छा ऑप्शनल चुन पाएंगे। आप एलिमिनेट करते जाइए एक एक करके कि ये ऑप्शनल मुझे नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, और फाइनली एक अच्छा ऑप्शनल आप अपने लिए चुन लीजिए। तीसरा पॉइंट है आज के इस लाइव का, प्लानिंग कैसे करें। मतलब अगर आप तैयारी शुरू करते हैं या फिर आप ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं और व्यवस्थित ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग कैसे करें। प्लानिंग करने का तरीका ये है दोस्तों कि आप जब तैयारी शुरू करते हैं, मान लीजिए आप जून या जुलाई के महीने में तैयारी शुरू करते हैं, अब तैयारी शुरू करते हैं तो उस समय आप सबसे पहले अपना ऑप्शनल चुनते हैं और अपना मीडियम चुनते हैं। आपने अपना ऑप्शनल चुन लिया, मान लीजिए कोई भी विषय आपने चुन लिया, तो तैयारी के शुरू में ही आपको उस ऑप्शनल की तैयारी करना शुरू करना पड़ता है, साथ में जीएस भी साथ चलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप खाली ऑप्शनल की तैयारी करें और जीएस को छोड़ दें, तो जीएस और ऑप्शनल दोनों को लेकर के आपको चलना पड़ता है, और 4-5 महीनों के अंदर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद जब प्री का टाइम आता है, यानी कि आपका प्री जनरली मई में होता है, तो आपको जनवरी से लेकर के या फरवरी से लेकर के मेंस की तैयारी छोड़नी पड़ती है और केवल प्री पर फोकस करना पड़ता है। उस दौरान आपको प्री की टेस्ट सीरीज करनी होती है, जैसे आजकल अभी प्री के लिए वेट कर रहे होंगे कई लोग, तो आपको प्री की टेस्ट सीरीज, जो आपके टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, उन पर ध्यान देना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आप अच्छा स्कोर कर पाएं। ये आपका शेड्यूल रहता है पूरे साल का। पहले आप मेंस ऐसी चीज़ें करते हैं जो केवल मेंस में आती हैं, साथ में प्री का भी करते हैं, पर बाद में आप केवल प्री पे फोकस हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी प्लानिंग रहती है। प्री जैसे ही ख़त्म हो जाए वैसे ही आपको बिना रिजल्ट का इंतज़ार किए मेंस की तैयारी शुरू करनी है, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है। और इंटरव्यू के बारे में अभी नहीं सोचना है, इंटरव्यू के बारे में तब सोचना जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हों। मेंस का एग्ज़ाम देने से पहले आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है। एक और सवाल, चौथा पॉइंट आज के इस लेक्चर का, कि कितने घंटे पढ़ें।
ये एक बड़ा सवाल होता है, अगर आप नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है, तो कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, ये एक सवाल हम सबका होता है। मैं इस सवाल के जवाब में कहूँगा कि घंटे गिनना अच्छी बात नहीं है, पर ये गिनना ज़रूरी है कि हमने कितना पढ़ा, कितना सिलेबस कवर किया। आपने अपने शुरू में प्लानिंग की थी कि मैं आज पॉलिटी का ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा, तो आपको वो चैप्टर आज ख़त्म करना है, उसमें घंटे गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो घंटे गिनने के बजाय हम ये देखें कि हमने जो आज का सिलेबस सोचा था, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हमेशा मैं आपको कहता हूँ, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और ज़्यादा अच्छा आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपना सिलेबस पूरा कर पाएंगे। पांचवी बात ध्यान रखने की है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले 5 सालों के प्री के और मेंस के पेपर, मेंस में जीएस के चारों पेपर और एसए का पेपर और ऑप्शनल के दोनों पेपर और प्री के दोनों पेपर, पिछले 5 सालों के पेपर आपको अच्छे से देखने हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों के पेपर देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल आजकल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पिछले सालों में क्या क्या तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, प्री में किस चीज़ पर फोकस है, करंट अफेयर्स के सवाल ज़्यादा, हालांकि प्री में अंदाज़ा लगाना बिल्कुल असंभव है कि किस चीज़ पर ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही है, पर फिर भी आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि सवाल किस तरह से बनाकर पूछे जाते हैं। 5 बातें हमने कर ली हैं, छठी बात आज की हम करेंगे। छठी बात जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर कई लोगों ने सवाल भी पूछा है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बुक लिस्ट जो है वो अपनी, ये जो किताब है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, मेरी जो किताब है जो स्ट्रेटेजी बताती है, इस किताब में से मैं बुक लिस्ट आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इस किताब में पूरी बुक लिस्ट दी हुई है, मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। जीएस में अगर आप देखें तो हिस्ट्री में आपको 6ठी से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है, आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, किसी में भी आप पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा की एक किताब आती है, आज़ादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आप पढ़ सकते हैं। तो 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी, इसके अलावा माजिद हुसैन की किताब आती है और जीसी लियोंग की किताब आती है, उनमें से कोई एक किताब आप पढ़ सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सेगमेंट की एक से ज़्यादा किताब आपको नहीं पढ़नी है, हर सेगमेंट की एक एक किताब आपको पढ़नी है। एक स्कूल एटलस ले लीजिए, कोई भी ऑक्सफोर्ड का या कोई भी स्कूल एटलस, वो आपको ज़रूरी काम आएगा। पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की किताब जो मैग्रा हिल से आती है वो ही पढ़नी है, उसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक इंडियन गवर्नेंस की किताब भी आती है, भारतीय शासन के नाम से एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, वो भी आप देख सकते हैं, पर उसको पूरा नहीं पढ़ना, उसमें केवल काम के अध्याय आपको पढ़ने हैं, पर राजव्यवस्था वाली जो किताब है वो आपको पूरी पढ़नी है। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के लिए आपको अभी वो आप पढ़ सकते हैं, 9वीं से 12वीं की एनसीईआरटी आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आता है और बजट प्रकाशित करती है सरकार, वो आप देख सकते हैं, मृणाल के वीडियो लेक्चर इकोनॉमी के लिए देख सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी की किताब देख पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की, इसके अलावा एक परीक्षा वाणी इलाहाबाद की किताब आती है एनवायरनमेंट पर, वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो शंकर आईएएस के नोट्स हैं एनवायरनमेंट पे, वो अच्छे हैं, वो पढ़ सकते हैं। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की किताब बहुत लोकप्रिय है, वही आप पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और साइंस के लिए आप 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी किताब पढ़ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैग्रा हिल से किताब आती है अशोक कुमार एवं विपुल की, वो किताब आप देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप न्यूज़पेपर और मंथली मैगज़ीन जो है, एक मंथली मैगज़ीन तो आप योजना पढ़ेंगे और एक मंथली मैगज़ीन कोई और, जैसे कि विज़न आईएएस की जो मंथली बुकलेट आती है करंट अफेयर्स की, वो आप पढ़ सकते हैं। और एथिक्स के लिए एक किताब है बहुत अच्छी, बालाजी डीके आईएएस हैं, उनकी किताब है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो आप पढ़ सकते हैं। वो किताब जल्दी ही हिंदी में भी उपलब्ध होगी, उसका एडिटिंग मैंने की है, तो बालाजी डीके की किताब एथिक्स की आप पढ़ सकते हैं। निबंध के लिए अगेन जो मैंने जिक्र किया था अभी,
सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध नाम की किताब है, राजकमल से आई है। इसमें 101 निबंध हैं हाल के वर्षों के टॉपर्स द्वारा लिखे हुए। इसकी एडिटिंग मैंने की है, इसको आप ज़रूर ज़रूर पढ़ सकते हैं, बहुत काम की किताब है। इसमें पीछे ये सभी जिन लोगों ने टॉपर्स ने ऐसे लिखे उनके फ़ोटो हैं, तो ये किताब पढ़ लेंगे तो ऐसे में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रैक्टिस सिर्फ आपको करनी होगी। और टेस्ट सीरीज़ एक आप लगानी चाहिए आपको, प्री या मेंस की कोई एक टेस्ट सीरीज़ लगाइए। विज़न की टेस्ट सीरीज़ मुझे ठीक लगती है, तो विज़न की टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एक अखबार आपको पढ़ना है, द हिंदू आपको पढ़ना चाहिए। पत्रिकाओं में योजना, भारत सरकार की पत्रिका है, वो पढ़नी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक मंथली बुक, मंथली मैगजीन जैसे विज़न आई है, इसकी मंथली बुकलेट आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इंडिया ईयरबुक साल में एक बार आती है, वो आप देख लीजिए। और वेबसाइटें कुछ हैं जो अच्छी वेबसाइटें हैं UPSC के लिए, वो आप देख सकते हैं, जैसे कि insightsonindia.com, mrinal.org, और इसके अलावा सरकारी वेबसाइटें PIB की और न्यूज़ ऑन AIR की, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल इंडिया रेडियो के कुछ ऐसे बुलेटिन आते हैं जो पूरे दिन का सार बताते हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल है जो आज का 7वां पॉइंट है मेरे लेक्चर का, वो है कैसे तैयारी करें। अभी हमने बात की क्या पढ़ें, और अब हम बात कर रहे हैं कैसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ें का जवाब मैं आपको देता हूँ। एक तो स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देते हैं, और कुछ लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बट जब लिखने की बारी आती है, जब उनका आउटपुट देने की बारी आती है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी करें, हर विषय के लिए एक किताब पढ़ें, रिवीजन करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, प्री मेंस और इंटरव्यू को मिला करके देखें, और GS के जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें आपस में भी संबंध होता है, उस संबंध को समझने की कोशिश करें। तनाव मुक्त होकर तैयारी करें, कई लोग होते हैं जो बहुत तनाव लेकर तैयारी करते हैं, उससे रिजल्ट पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, और जब वो लिखने बैठते हैं तो अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए तनाव मुक्त होकर तैयारी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखें। एक सवाल आप में से कई लोगों ने अभी पूछा है राइटिंग प्रैक्टिस पर और एस्से पर, तो वो 8वां पॉइंट है हमारा, उस पर हम बात करते हैं, आंसर राइटिंग पर और एस्से पर। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि राइटिंग स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होता है। आपने अगर तैयारी शुरू की है तो शुरू के दिनों में तो नहीं, पर जब आप थोड़ा GS को पढ़ लें उसके बाद आप राइटिंग शुरू कर दीजिए। और एस्से राइटिंग मस्ट है, क्योंकि एस्से अगर आप लिखते हैं तो उससे राइटिंग स्किल आपका इम्प्रूव होता है। इसलिए आप हर 15 दिन में एक एस्से लिखने का अभ्यास करें, 1.5 घंटे में एक एस्से आपको लिखना होता है। तो कोई भी पिछले सालों का पेपर ले लीजिए और कोई भी एस्से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के एंड तक बहुत सारे एस्से आप लिख चुके होंगे, और वो आपका लिखने के अभ्यास में हेल्प करेगा। इसके अलावा मेंस के लिए जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो GS के आंसर्स वहाँ पर लिखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना, आप कितने पानी में हैं और कैसा आपने लिखते हैं, वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। इसके अलावा एस्से की बात करते हैं थोड़ा सा हम, कि एस्से कैसे लिखें। एस्से में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, मुझे लगता है कि एस्से का तैयारी का सही तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो एस्से लिखते हुए आपको पैराग्राफ में लिखना है, ना कि हेडिंग्स में। एस्से में एक फ़्लो होना चाहिए, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में थोड़ा एक कनेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा एस्से में कोटेशंस का आप अगर यूज़ करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कोटेशंस पोएट्री के रूप में भी हो सकती है, किसी बड़े लेखक या बड़े विद्वान या बड़े नेता के विचार हो सकते हैं, जैसे गांधी के विचार, नेहरू के विचार, टैगोर के विचार, अंबेडकर के विचार, विवेकानंद के विचार, वो अगर कोई उस टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि टॉपिक से भटकना नहीं है बिल्कुल भी आपको एस्से में, टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई विचार है तो वो आप लिख सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर एस्से में क्या पूरे एग्ज़ाम में ही साफ लिखना है, हैंडराइटिंग आपकी पठनीय होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। आपने जो भी माध्यम चुना है, इंग्लिश चुना है, हिंदी चुना है, मराठी चुना है, जो भी, लेकिन आपकी जो हैंडराइटिंग है वो पढ़ने लायक होनी चाहिए। इसके अलावा आप एस्से में कुछ बातों को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप उसको पढ़वाना चाहते हैं तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। निबंध का कंक्लूजन कैसे लिखना है उस पर आप ध्यान दीजिए, पूरे एस्से का, पूरे टॉपिक का जो आपने लिखा है उसका निचोड़,
उसका सार आपको कंक्लूजन में लिखना है। पूरे एस्से के दौरान एक बात ध्यान रखनी है कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। कौन कौन से एस्पेक्ट एस्से के हो सकते हैं? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, इस तरह के कल्चरल, इस तरह के तमाम एस्पेक्ट एक टॉपिक के हो सकते हैं। उन सब एस्पेक्ट्स को, उन सब पक्षों को कवर करने की कोशिश कीजिए, तभी आप अच्छा एस्से लिख पाएंगे। एक सवाल और है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कई तरीके होते हैं। कुछ लोग कोटेशन से लिखते हैं, कुछ लोग कहानी लिखते हैं छोटी सी, कुछ लोग उस टॉपिक का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस टॉपिक का जो पृष्ठभूमि है, उससे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आप कोई भी एक तरीका आजमा सकते हैं, किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नवी बात आज की, 9th पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है रीडिंग हैबिट। दोस्तों, रीडिंग हैबिट आजकल हम लोगों में थोड़ी कम हो गई है। हम लोग किताब का नाम पता कर लेते हैं बट कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते और थोड़ा सा पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। आप अच्छी किताबें चुनिए और जो भी किताब चुनिए उसको अच्छे से पढ़िए। तो रीडिंग हैबिट मेंटेन करिए। कभी फुर्सत में हो तो टेक्स्ट बुक के अलावा भी कोई और किताब पढ़ सकते हैं। जैसे रुक जाना नहीं किताब है, जो अभी कई लोग पूछ रहे हैं कि मोटिवेशन कैसे बनाएं, मोटिवेट कैसे रखें खुद को, तो उसके मंत्र इस पतली सी किताब में, रुक जाना नहीं में, आपको बताए गए हैं, वो आप देख सकते हैं रुक जाना नहीं में। तो इस तरह से दोस्तों, खुद को मोटिवेट करना है, रीडिंग हैबिट बनाए रखनी है। एक और बात मोटिवेट रखने के लिए खुद को बहुत ज़रूरी है, जो आज के लेक्चर की 10वीं और आखिरी बात मुझे आपसे कहनी है, वो है करियर ऑप्शन। दोस्तों, यूपीएससी का, आईएएस का जो एग्ज़ाम है, वो निश्चित नहीं हो सकते आप कि वो आप क्लियर कर ही लेंगे। ये बात आप लोग सब जानते हैं कि अनिश्चित एग्ज़ाम है, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लाखों लोग इसके लिए बैठते हैं। एक ये संभावना भी हो सकती है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। ऐसे में आपको एक करियर ऑप्शन सोच के चलना चाहिए, अपना जो ग्रेजुएशन है उस पर ध्यान देना चाहिए। वरना अगर ग्रेजुएशन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में ग्रेजुएशन में आप वीक रह जाएंगे और उसके बाद आपको करियर में दिक्कत होगी। तो दूसरे एग्ज़ाम भी आप होते हैं यूपीएससी के अलावा, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीएससी का, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, एमपीएससी का, और यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, इस तरह के स्टेट के एग्ज़ाम भी होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, एसएससी का एग्ज़ाम भी होते हैं, बैंक और रेलवेज़ के एग्ज़ाम भी होते हैं, और भी टीचिंग के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के, नेट, जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है। तो बाकी एग्ज़ाम्स भी आप अपने अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको चुन सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि करियर ऑप्शन ज़रूर चुनें। और अंत में मैं एक आप लोगों के कुछ सवालों को लेना चाहूँगा, जो आप सवाल पूछते जाएंगे। अब मैं अपनी बात ख़त्म करके आपके सवालों पर जवाब दूंगा। तो एक किसी ने पूछा है कि 12th के बाद इनिशियली कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन। अगर लोग 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन को इग्नोर नहीं करना है, पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एक न्यूज़पेपर डेली, एक मंथली मैगज़ीन जो करंट अफेयर्स को बताती हो वो आप पढ़ सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज की 9वीं से 12वीं तक की किताबें आपको एक बार देख लेनी चाहिए। इतना अगर आप 12th के बाद कर लें तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में कौन सा न्यूज़पेपर सही रहेगा, एक सवाल पूछा है, तो ये यूँ तो द हिंदू ही बेहतर है, पर फिर भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अच्छा रहेगा। दृष्टि की जो मैगज़ीन आती है उसमें उनका अनुवाद भी दिया होता है हिंदू के लेखों का, वो भी आप देख सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों, आजकल बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। बस एक सलाह दूंगा कोचिंग के बारे में, कि कोचिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका बैकग्राउंड वाला नहीं है तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग कर लेनी चाहिए, और जीएस के केवल उसी सेगमेंट की कोचिंग करनी चाहिए जो आपका वीक हो, जिसको आपको समझ में ना आ रहा हो। जैसे अगर आपको इकोनॉमी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इकोनॉमी की कोचिंग करिए, पूरे जीएस की कोचिंग मत करिए। और इसके अलावा कोचिंग के भले ही ना करें पर टेस्ट सीरीज जरूर करिए, मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको। और जॉब के साथ तैयारी कैसे होगी, इस पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। और एक सवाल है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें।
दोस्तों जॉब के साथ तैयारी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जॉब के साथ रिवीजन करना आसान है, पर जॉब के साथ पहली बार तैयारी करना वास्तव में मुश्किल है। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले तैयारी कर लें फिर जॉब ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर आपको जॉब के साथ ही तैयारी करनी है तो वीकेंड्स का इस्तेमाल करें और बाकी कामों को छोड़कर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए बाकी कामों को छोड़कर फिर आपको तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश की तैयारी के बारे में लोग पूछ रहे हैं। इंग्लिश के लिए मैं आप सब लोगों को कहूँगा, हिंदी और मराठी वालों को, कि इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान भाषा है। तो इंग्लिश को सीख लें और इंग्लिश बेसिक ही आनी चाहिए, जो कि आपका इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर भी होता है। अगर वो आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की कॉपी चेक ही नहीं होती है। इसलिए इंग्लिश को आप बेसिक इंग्लिश लिखना आपको आना चाहिए, उसमें ऐसे लिखना आना चाहिए, उसमें आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हिंदी लिटरेचर के लिए पूछ रहे हैं दृष्टि के नोट्स सफिशिएंट है क्या, तो हिंदी लिटरेचर के लिए दृष्टि के नोट्स सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि उससे आगे कोई नोट्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बस आप उसके साथ टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ लीजिए, इतना आप कर लेंगे तो आपका हिंदी लिटरेचर तैयार हो जाएगा। और बहुत तेज़ी से सवाल आ रहे हैं लगातार, सी सेट के लिए क्या करें। सी सेट अब क्वालिफाइंग हो गया है, इसलिए अब सी सेट की बहुत चिंता तो नहीं है, पर सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए एक बार उसका अभ्यास आपको पूरे सिलेबस का करना ही पड़ेगा, वरना अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी कॉपी, आप प्री में फेल हो जाएंगे। कंसंट्रेशन कैसे रखें, एक सवाल पूछा है, बहुत अच्छा। कंसंट्रेशन के लिए आप अपनी हॉबी जो है, आपको जो भी हॉबी अच्छी लगती है, आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, या आपको खेलना अच्छा लगता है, या मॉर्निंग वॉक करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो काम दिन में आधा एक घंटा आपको ज़रूर करना है, ताकि आप मोटिवेटेड रह पाएँ, पॉजिटिव रह पाएँ और अच्छे से कॉन्सनट्रेट कर पाएँ। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो कॉन्सनट्रेट कर पाएंगे। पूरी किताब के बजाय चैप्टर वाइज लक्ष्य बनाएं कि मुझे आज ये चैप्टर करना है, तो आप इजीली उस लक्ष्य को पा पाएंगे। मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। दृष्टि की मंथली मैगजीन पूछ रहे हैं, वो अच्छी है, अच्छी मैगजीन है, विजन वाली भी अच्छी है, दोनों में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की ये बात हमारी हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।